स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की समन्वय में मासिक समीक्षा बैठक एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पुलिस लाइन स्थित सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जनपद के सभी थानों में नियुक्त बाल कल्याणकारी अधिकारी जेजेबी सीडब्ल्यूयूसी डीपीओ जनपद की में कार्यरत शरणार्थी के प्रतिनिधि व आईसीपीएस सहित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मुमताज खान, राजेश मणि त्रिपाठी सहित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बच्चों के अधिकार और उनके समस्याओं संबंधित पंजीकृत प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि बाल हित सर्वोपरि है, इसलिए इस पर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि आप और एक लड़की को 18 वर्ष की हो गई है, अब उसके लिए तो हमें जो है 50 वर्षीय देख रेख संस्था में ही भेजना होगा। हम ऐसी जगह तो कहा भेज नहीं सकते, तो उसको लेने वाला भी कोई नहीं होगा, तो उसके लिए जो है हम उसके ऊपर क्या ला लेते हैं। सर आप दूसरी बच्ची के बारे में बात कर रहे हैं, जो दिल्ली से बच्ची 11 जनवरी को पत्र है, क्या है उसका या कुछ वर्तमान समय वाला दे दी, उसको तो हमने सर्कुलेटर भी दिया हुआ था, मतलब पहले सेटअप कहा गया था, लेकिन उससे ज्यादा हो गया, दो तीन बार लिख के दिया गया, अभी तक हुआ नहीं। ये एसटीओ और एसजेपीओ की मंथली समीक्षा बैठक है, समन्वय बैठक है। प्रत्येक माह ये मीटिंग की जाती है। बच्चों के हित से संबंधित विभिन्न विभागों में जो आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए, बस यही मेन बात है। जो संस्थाएं हैं इस तरह की जो निराश्रित बच्चों को रखती हैं उनके लिए, हाँ, इसमें सभी शेल्टर होम्स के लोग हैं, सभी विभाग के लोग हैं, बच्चों के मध्य से संबंधित जो भी विभाग हैं, शिक्षा विभाग हैं, एएसटीयू हैं, एसजेपीयू हैं, ये जीआरपी हैं, आरपीएफ हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं, जे बोर्ड से हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग भी हैं, और ये यूनिसेफ के लोग भी हैं, सीडब्ल्यूसी के लोग हैं, इसमें सभी थानों के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आते हैं इसमें। सब कुछ मुद्दा है सामने नहीं, कोई खास मुद्दा नहीं, आपसे ये संबंध में हम लोग बढ़ा रहे हैं। हाँ, कोई खास मुद्दा।